हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओलिगोपोली को लेकर बहुत सारे मॉडल डिस्कस किए गए हैं, जैसे चैम्बरलेन मॉडल है और बट्रेन मॉडल है, कॉलिजन मॉडल है, स्विजी किंग डिमांड कर्व है, प्राइस लीडरशिप मॉडल है. इसी तरीके से एक मॉडल है कॉर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली. ये मॉडल बेसिकली ओलिगोपोली के मॉडल्स में से सबसे पहला मॉडल है. सबसे पहले यही मॉडल डिस्कस किया गया था, ये कॉर्नो ने डिस्कस किया था. कॉर्नो का पूरा नाम था ऑगस्टाइन कॉर्नो. ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने किताब लिखी थी जिस किताब का टाइटल था रिसर्चेस इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ. मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, रिसर्चेस into the mathematical principles of the theory of wealth. उसके अंदर, उस किताब के अंदर basically उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था. बहुत सारी चीज़ उन्होंने डिस्कस की थी, डिमांड है, मोनोपोली है, टैक्सेस है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ उन्होंने डिस्कस की थी. उसी में जब उन्होंने मार्केट को डिस्कस किया था तो ओलिगोपोली का ये मॉडल उन्होंने दिया था. इसीलिए ये बेसिकली ये मॉडल उस किताब का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली. लेकिन अब मॉडल पे हम बात करें कि ये मॉडल है क्या, व्हाट इज कॉर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली. बेसिकली देखिए, कॉर्नो ने सबसे पहले इसको जो लिया था उसमें हम अभी आज जो इसको डिस्कस करते हैं ओलिगोपोली मॉडल कहते हैं. बेसिकली ये ड्यूपोली मॉडल था, ओलिगोपोली नहीं था. कॉर्नो ने इसमें सिर्फ दो फॉर्म्स ली थी और दो फॉर्म्स को लेकर उन्होंने मॉडल बनाया था. बाद में इसको जनरलाइज कर दिया गया मैनी फॉर्म्स के लिए, तो इसको कॉर्नो ड्यूपोली मॉडल भी कहते हैं या कॉर्नो कॉम्पिटिशन भी कहते हैं. इस मॉडल के अंदर बेसिकली इम्परफेक्ट मार्केट में दो फर्म्स किस तरीके से कॉम्पीट करती हैं, जबकि उनका प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, उनकी कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिकल है. मतलब दो फर्म हैं जिनकी कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिकल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और उस कंडीशन में वो एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं. ठीक है, अच्छा. कॉर्नो ने इसके अंदर बहुत सारे अजम्पशंस लिए हैं, यानी पहले वो कहते हैं कि दोनों फर्म्स कॉल्यूट नहीं करेंगी, मतलब कार्टेल नहीं बना सकती. ग्रुप बना लेंगी तो फिर कंपटीशन कहाँ होगा. दोनों ने ग्रुप बना लिया और आपस में तय कर लिया कि ये प्राइस हम लेंगे, जैसे कार्टेल में होता है, अब उसको डिस्कस करेंगे. तो ये इसमें नहीं है, इसमें दोनों फॉर्म्स अलग होंगी और एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगी. ठीक है, और दोनों की जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है वो दूसरे फॉर्म्स के डिसीजन पर डिपेंड करेगा. ठीक है, और देखिए, जैसे मैंने बताया, जो कॉर्नो का बेसिक वर्जन ऑफ मॉडल है उसमें सिर्फ दो फॉर्म है और उस एग्जाम्पल में दोनों फॉर्म्स मिनरल वाटर सेल करती हैं, यानी दोनों फॉर्म्स मिलकर मिनरल वाटर सेल कर रही हैं. बिल्कुल होमोजेनियस सेम दोनों का प्रोडक्ट है. अच्छा, बाद में किया गया कि बाद में इस मॉडल को एक्सटेंड कर दिया गया मल्टीपल फॉर्म्स के लिए. ठीक है, तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ अजम्पशंस पर डिस्कशन करते हैं. अजम्पशंस ऑफ कॉर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली. जैसे मैंने बताया, कॉर्नो ने सबसे पहले तो कहा था कि एग्जाम्पल में दो फॉर्म होनी चाहिए, टू फॉर्म्स, यानी दो फॉर्म्स एग्जाम्पल में ली हैं, उन्हीं दो फॉर्म्स पर उन्होंने काम किया. बाद में इकोनॉमिस्ट ने उसको जनरलाइज कर दिया मैनी फॉर्म्स के लिए या फ्यू फॉर्म्स के लिए हैं. सेकेंड, द प्रोडक्ट मस्ट बी होमोजीनियस. Product must be homogeneous, and in this case, Cournot takes it as mineral water. इस केस में Cournot ने उसको mineral water लिया है, यानी दोनों firm सिर्फ mineral water sale कर रही हैं. तीसरा जो assumption है वो है दोनों firms का जो demand curve होगा वो linear होगा.
linear demand curve. That means the demand curve must be a straight line. ठीक है? चौथा है, for the sake of simplicity, Cournot did not take any cost here. मतलब वो Cournot कहते हैं कि यहाँ पर cost of production zero है. Zero cost of production. जो production की cost है, वो zero होगी. और दूसरी चीज, यहाँ पर cost या technology जो भी use कर रहे हैं, वो identical होगी. यानी cost zero तो है, लेकिन identical है. दोनों के जो cost function है, वो सेम है, सेम कॉस्ट पर दोनों काम कर रही हैं. जाहिर है यहां जीरो बताया, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी दोनों की सेम है. पांचवा जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, उसमें Cournot कहते हैं कि ईच फर्म चूजेस इट्स आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट एंड टेक्स द आउटपुट ऑफ द राइवल फर्म एज गिवन. हर फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने आउटपुट को चूज करती है और दूसरी फर्म्स के आउटपुट को अज्यूम करके चलती है कि ये इसका होगा तो मेरा ये होगा. यानी इसके अंदर कोई भी ड्यूपोलिस्ट या ओलिगोपोलिस्ट प्राइस सेट नहीं कर सकता है. वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है. प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन घटा सकता है, और उसी पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा. कोई भी मोनोपोलिस्ट प्राइस डायरेक्ट सेट नहीं कर सकता, प्राइस मार्केट ही सेट करती है. ठीक है, तो ये तो इसके अजम्पशन है. अब हम इसको एक फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो आइए अब इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि Cournot का मॉडल किस तरीके से काम करता है. देखिए, यहां पर एक चीज पहले समझ लीजिए और उसको ध्यान में बिठा लीजिए जहन में, कि यहां पर जो भी मार्केट में टोटल डिमांड है, हमारा जो भी ड्यूपोलिस्ट है यानी जो हमारा सेलर है, वो हमेशा उस टोटल डिमांड का हाफ प्रोड्यूस करेगा ताकि डिमांड ज्यादा रहे और प्राइस बढ़े रहे. तो ये बात एकदम दिमाग में रखने वाली है कि जो भी अवेलेबल डिमांड होगी, टोटल डिमांड मार्केट के अंदर होगी, प्रोड्यूसर उस डिमांड का हाफ प्रोड्यूस करेगा. अब यहां हम लेकर चलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि यहां पर जो Cournot ने बल्कि एग्जांपल लिया था कि यहां पर दो फर्म है जो दोनों मिनरल वाटर सेल कर रही हैं. तो सपोज कर लीजिए पहले फर्म है मिनरल वाटर सेलिंग फर्म ए. यहां हम एक लाइन खींच लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. अब मान लीजिए हमारी मिनरल वाटर सेल करने वाली फर्म ए है. ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, जब ए फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जैसा मैंने बताया कि वो हाफ को प्रोड्यूस करेगी. अगर हम मान लीजिए ओ, ये हमारा जो है वो डिमांड कर्व है, ये हमारा सेंटर है जो ये बता रहा है कि यहां पर इलास्टिसिटी वन है, यूनिटरी इलास्टिक है यहां पर. तो ये सेंटर है, ये हमारी पूरी डिमांड है. जब यहां पर हमें पूरी डिमांड मिली, अगर हम इस पूरी डिमांड को एक मान लें, वन, हम इस डिमांड को वन मान लें, तो क्या होगा? इसको वन मानने से हमें ये पता है कि अब जो हमारा मिनरल वाटर सेलिंग फॉर्म ए है, यानी फॉर्म ए है, वो टोटल मार्केट का हाफ प्रोड्यूस करेगी. तो ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. और यहां पर जैसे हमने शुरू में एग्जांपल में आपको अजम्पशन में आपको याद होगा हमने लिया था कि यहां कॉस्ट जीरो है, कोई कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ रही है. तो यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट यही है हमारी. इस प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, यहां तक आते आते वो जीरो हो गया. जब यहां जीरो हो गया और जीरो कॉस्ट है, तो यानी ये पॉइंट वो है जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है. और ऑफ कोर्स दोनों जीरो है यहां पर.
इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, जो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है। तो यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे हमने एक लाइन खींची जो डिमांड कर्व को टच कर रही है और ये हमने उसका प्राइस को डिटरमिन कर लिया। तो कहां पर डिटरमिन हो रही है? फर्म ए ने सोचा कि टोटल मार्केट अगर 1 है तो वो क्या करेगी, उस 1 का हाफ प्रोड्यूस कर लेगी। यानी अब इस फर्म ने हाफ प्रोड्यूस कर लिया, जो टोटल डिमांड है उसका हाफ मार्केट डिमांड को प्रोड्यूस कर लिया है, ताकि प्राइस बढ़े रहे और डिमांड थोड़ी बढ़ी रहे, सप्लाई हल्की सी कम रहे। तो अब जो इस फर्म ए का टोटल प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया, पी सी क्वांटिटी ऑफ फर्म ए और ओ, यानी पी सी क्यू ओ। ये जो पूरा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फर्म ए का प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब फर्म सोच, एक फर्म आती है, वो सोचती है कि भाई इस वक्त मिनरल वाटर की इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अब इंडस्ट्री के अंदर इंटर करती है। यानी अब मिनरल वाटर की फर्म बी मार्केट के अंदर इंटर कर जाती है। अब क्या होगा, देखिए फिर मैंने बताया कि जो अवेलेबल मार्केट है उस मार्केट का हाफ प्रोड्यूस करेगी। अब यहां देखिए, ये जो ओ क्यू पोर्शन है, ये ओ क्यू पोर्शन तो पहले वाली फर्म ए ने प्रोड्यूस कर रखा है। अवेलेबल मार्केट कितना है, क्यू डी, यानी ये जो हाफ मार्केट है वो बचा हुआ है, अभी अवेलेबल है। अब फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी पूरा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फर्म बी का फिर वही कंडीशन होगी कि जो भी अवेलेबल मार्केट है उसका हाफ प्रोड्यूस करना है। वो क्या करेगी, अब देखिए क्योंकि फर्म बी के लिए सिर्फ इतना ही डिमांड बची हुई है, तो अब उसके लिए तो ये ग्राफ मान लीजिए, अब ये उसकी कंडीशन हो गई, अब वो इसी पोर्शन के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। और जब वो इस पोर्शन पर सॉरी इस ग्राफ के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, तो यहां उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी आएगा। सपोज कर लीजिए ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फर्म बी का हो गया, ये ए का था, ये बी का हो गया। कंडीशन वही है इक्विलिब्रियम की, यहां पर दोनों मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट जीरो है, कॉस्ट हम शुरू से जीरो मानी है, या रेवेन्यू भी जीरो हो गया, तो कंडीशन मिल गई एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो यहां पर अब वो प्रोडक्शन करेगा, अब उसने हाफ मार्केट में प्रोडक्शन कर लिया। यानी उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि हाफ मार्केट तो पहले से कैप्चर की हुई है ए ने, और हाफ मैं कर लूंगा, यानी हाफ का हाफ मैं प्रोड्यूस करूंगा। फर्म टू जो है, बी जो है, वो जो हाफ है उसका भी हाफ प्रोड्यूस किया है ना उसने, ठीक है, तो कितना हुआ, हाफ का हाफ 1/4, यानी फर्म बी जो है अब वो 1/4 मार्केट को प्रोड्यूस कर रही है। अब इस 1/4 मार्केट के ऊपर प्राइस कितना हो जाएगा, पी डैश। अब देखिए यहां क्या हुआ, इसको ले लीजिए एफ, अब देखिए यहां क्या हुआ, ये क्वांटिटी बी हो गई, दूसरी फर्म के मार्केट में आने की वजह से सप्लाई बढ़ गई, पहले पूरी मार्केट का सिर्फ हाफ था, अब उस हाफ के अंदर 1/4 और जुड़ गया, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेंगे, तो अब वो प्राइस घटकर पी से पी डैश हो गए। अब यहां पर एक्शन और रिएक्शन शुरू होगा, यानी अब
जो फर्म ए है वो सोचेगी कि इस बार प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए हैं, लिहाजा उस प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मुझे अपने प्रोडक्शन को या आउटपुट को थोड़ा सा कम करना होगा। फिर वही सिस्टम कि जो भी अवेलेबल मार्केट है उसका हाफ। तो अब अगर वो अपनी मार्केट को नॉर्मल कर ले, यानी मैंने अभी ये मेरी मार्केट है इसको और बाकी दूसरी की जो बची हुई है वो उसका मैं हाफ करूंगा, यानी वो प्रोड्यूस कर रहा था उसने प्रोडक्शन को फिर से प्लान किया, तो ये पोर्शन उसके प्लानिंग में है और ये पोर्शन उसकी प्लानिंग में है, यानी 1/4 पोर्शन को छोड़कर जो फर्म बी ने प्रोड्यूस किया है, 1/4 पोर्शन जो फर्म बी ने प्रोड्यूस किया है उसको छोड़कर बाकी का हाफ फर्म ए प्रोड्यूस कर सकती है। यानी वो कहती है कि मार्केट जैसे हमने शुरू में मैंने बताया था इसको हमने 1 लिया हुआ है, वो कहती है कि 1 मार्केट में से अगर 1/4 निकाल लें तो ये क्या बन गया, ये टोटल मार्केट बन गई जो अभी अवेलेबल है उसका हाफ ये प्रोड्यूस करेगा, तो वो कितना हो जाएगा 3.8। बात समझ रहे हैं? यहां पर इस मार्केट फॉर्म ए ने प्राइस को मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्शन को घटाने का डिसाइड किया। सिस्टम वही है, दोनों यही सोचेंगे कि जो भी अवेलेबल मार्केट है उसका हाफ प्रोड्यूस करना है। अब क्या होगा जब यहां पर इस फॉर्म ए ने अपने प्रोडक्शन को या आउटपुट को थोड़ा सा घटा लिया, तो वहां फॉर्म बी को लगा कि अब मार्केट और मिल रही है, मैं क्यों ना थोड़ा सा और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, अपने आउटपुट को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो फिर वो क्या सोचेगी, वो भी यही सोचेगी कि अब जो भी अवेलेबल मार्केट है मैं उस मार्केट का हाफ प्रोड्यूस करूंगा। तो फर्म ए ने कितना प्रोड्यूस कर रखा है 3.8, यानी 1 में से 3.8 निकाल दीजिए तो ये अवेलेबल मार्केट आ गई, उस अवेलेबल मार्केट का हाफ फर्म बी प्रोड्यूस कर लेगी, तो ये कितना बनकर आ जाएगा 5/16। आ रही है बात समझ में? यानी मैंने जो कहा ना, इस बात को जहन में रखिए जो अवेलेबल मार्केट होगी, यानी दूसरी फर्म ने जो मार्केट कैप्चर की हुई है उसके अलावा जितनी भी मार्केट बची हुई है उसका हाफ वो फर्म प्रोड्यूस करेगी। ये सिस्टम इसी तरीके से काम करेगा। अब इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगा फर्म बी का, तो प्राइस नीचे आएंगे, जैसे भी मैंने दिखाया था एक स्टेप पहले स्टेप में, तो वो क्या करेगा, अब फिर से फर्म बी उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए फिर अपने आउटपुट को थोड़ा सा घटाएगा, और वो घटाने के लिए क्या करेगा, फिर वो वही इस फंक्शन पे काम करेगा कि जो भी अवेलेबल मार्केट है, अब अवेलेबल मार्केट कितनी हो गई, 1 हमारी पूरी मार्केट थी हमने अज्यूम की हुई है, उसमें से 5/16 निकाल दीजिए तो ये अवेलेबल मार्केट आ गई, इसका हाफ फर्म ए प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/32। इसने प्रोड्यूस कर लिया, अब इसने क्या किया, अपने आउटपुट को घटाया, फिर से फर्म बी क्या करेगी, वो कहेगी कि इनने आउटपुट घटा दिया तो यानी अब मेरे पास मौका है मैं और बढ़ा लूं, तो वो कैसे बढ़ाएगी, फिर वो वही काम करेगी, जितना भी मार्केट बची हुई है, सॉरी, उसका ये फिर से हाफ प्रोड्यूस करने लगेगी, जो कितना होगा अराउंड 21/64। फिर ये अपने जब ये इनका आउटपुट बढ़ जाएगा, फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस फिर कम होंगे, तो फिर फर्म ए सोचेगी कि मैं क्या करूं, अब मैं अपने आउटपुट को फिर थोड़ा सा घटा लूं, तो फिर वो घटाने के लिए क्या करेगी, जितना इनका आउटपुट बना हुआ है 1/21/64, इसका हाफ वो फिर से प्रोड्यूस करेगी, तो ये कितना बन जाएगा 43/28। ठीक है,
इसी तरीके से काम करता चला जाएगा. फिर इनने घटाया, फर्म बी को फिर से मार्केट मिला थोड़ा सा. जब फर्म बी को फिर मार्केट मिलेगा, फिर वो क्या करेगी? फिर वो यही सोचेगी कि हाफ प्रोड्यूस करेगी किसका, 1/43/28 इसका प्रोड्यूस करेगी, जो बनकर बन जाएगा लगभग 85/256 ये एक एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है. और ये कब तक चलेगा? ये एक्शन रिएक्शन का खेल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इसका 1/3 और इसका 1/3 दोनों का ना हो जाए. यानी 1-1/3 इसका होगा और 1-1/3 इसका होगा और 1/3 ओपन रहेगा ताकि डिमांड बनी रहे और प्राइस बढ़ाए जा सके. यानी अब कहने का मकसद यह है कि ये एक्शन और रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक दोनों फर्म्स के आउटपुट सेम ना हो जाए और उतना ही जितने उन दोनों का शेयर है आउटपुट में उतना ही एक शेयर बचा रहेगा ताकि डिमांड बनी रहे. ठीक है. अब यहां पर यह चीज तो समझ में आ गई कि साहब फर्म जो है जितना भी शेयर लेंगी इंडिविजुअल फर्म का जितना शेयर होगा उतना शेयर बचा रहेगा. यहां पर इनका लगातार इस फर्म का लगातार घट रहा है और इसका लगातार बढ़ रहा है. यानी एक का घट रहा है और एक का बढ़ रहा है और दोनों एक जगह आ गए 1/3 पर. ठीक है. इसी तरीके से जब हम इस मॉडल को जनरलाइज करते हैं ओलिगोपोली के जहां हम फ्यू फर्म्स ले लेते हैं तो उस फर्म उस मॉडल में क्या होता है, सिस्टम बिल्कुल यही इसी तरीके से काम करता है. बस वो जो टोटल हमारा आउटपुट है वो जितनी फर्म्स होती हैं उससे एक बढ़कर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है. जब फर्म एक थी तो दो पार्ट थे, हाफ प्रोड्यूस कर रखा था और हाफ ओपन था. जब फर्म दो हुई तो पार्ट तीन हो गए. जब एक थी तो 1/2 था, जब दो हो गई तो 1/3 हो गया. इसी तरीके से जब फर्म फोर हो जाएंगी तो ये बढ़कर 1/5 हो जाएगी. यानी हमेशा नंबर ऑफ फर्म्स जितनी भी होंगी शेयर एक बढ़कर होगा. यानी इसके जो पार्ट किए जाएंगे टोटल डिमांड के वो एक ज्यादा होगा. तो उसको जनरलाइज करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है. यानी हम ये एक फार्मूला बना सकते हैं q/n+1 जहां पर जो हमारा Q है वो मार्केट का साइज है, OD ये मार्केट साइज है हमारा, और N जो है वो है नंबर ऑफ फर्म्स. एग्जांपल ले लीजिए कि अच्छा Q क्योंकि हमने हमेशा यहां पर 1 माना हुआ है, ये हमारा 1 है तो Q तो हमारा 1 हो गया. ठीक है. सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ फर्म हमारी 5 हो गई है, 5+1=1/6. इस तरीके से हम इस मॉडल को जनरलाइज कर देते हैं ओलिगोपोली के लिए जहां फ्यू फर्म्स होती हैं और इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है. ठीक है. तो ये कॉर्नो का ओलिगोपोली मॉडल था. मुझे उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आया हो और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ एडवाइजेस दीजिए. थैंक यू सो मच.